गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हमारे ट्रिप का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। रात आपने इससे पहले वीडियो देखी होंगी, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा आया हो, काफ़ी सारा फन हुआ था। रात बस आके साहब हम लोग 1 बजे के लगभग सो गए थे, सबके चीमटे टेढ़े हो गए थे। अभी देखो, अभी हमारे परीक्षित सर तैयार हो रहे हैं, विवेक तैयार होने वाला है और मैं तैयार हो चुका हूँ। बाकी पूरी टीम नीचे इंतजार कर रही है। एक्सपेक्टेशन थी कि हम सबसे पहले पहुँचेंगे और हम सबसे लास्ट में निकल रहे हैं। हमारी टीम बैठी है और हम यहाँ कमरे में मज़े ले रहे हैं, सब घूम रहे हैं और बस एक हम ही लेटे हैं, हमें ऐसा लगता है। पहले देखो जरा, दिस इज हाउ एम आई लुक, आई होप अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा तो ये कपड़े हैं। तो अब सीधा आपसे मिलते हैं जाके जंगल में, मतलब कॉर्बेट पार्क में। से अगर शेर मिलेगा तो शेर दिखाएंगे, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो फिलहाल सभी लोग आ चुके हैं, अपनी अपनी जिप्सी में बैठ गए हैं और हम ही लेट हो गए थे बस। और गाइस ये देखो क्या मस्त सनराइज़ का देखने को मिला। स्टार्टिंग में हम इतने पहाड़ नहीं, पर तब भी काफ़ी मस्त व्यू है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो चलते हैं अब। गाइज ये है हमारे पहले लोग एंट्री का, जिम कॉर्बेट के अंदर का एक जोन एंट्री गेट। ऐसा बोला जाता है जो काल मूवी थी उसकी भी शूटिंग इसी जोन में। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, अभी देखते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंड एंड रो ट्रम्पेट एंड सॉन्ग। आओ अगर कुछ इंसिडेंट अंदर हुआ तो बोले गिरीश को लग गए, बोले वो गिरीश तो केस फंसेगा के साला, जो है पुलिस भी परेशान हो जाएगी इसको, इसे सैल्यूट करने गिरीश मरे टाइगर लेके इनको। अब ये गिरीश दिल्ली में कैसे पैदा हो गए, ऐसे ही होता है टाइगर जिंदा हो जाता है। हाँ भैया पुलिस जी और 1 किलोमीटर लिए रिस्क, बाकी जो भी मिलेगा यही तो मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। जहाँ पर इतना पैसा खर्च किया वहाँ पर ये मत कि 100-200 ज़्यादा रहेगा। मैं आपको बता दूँ ना, अंदर एक 14 किलोमीटर सर्कल बना हुआ था, 45 गाड़ी चल जाएगी, 47 गाड़ी सर्कल के अंदर घूमे तो ऐसा होगा नहीं जानवर एकदम गाड़ी के बाहर। और अंदर जहाँ पे मेन मेन पॉइंट, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट खत्म होने के बाद अब हम अंदर आ चुके हैं, अब हमारी एक्चुअल जंगल सफारी हो चुकी है स्टार्ट। कुछ 6-7 किलोमीटर अंदर आने के बाद रुके हुए हैं क्योंकि जीप के ड्राइवर ने बोला कि शेर ऐसे खुले मैदानों में दिखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि शिकार ऐसे ही करता है वो ऐसे इलाकों में। तो वी आर वेटिंग और देखते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी देर में चल देंगे यहाँ से, आई विश दिख जाए। This is
पकड़ गए तो सर को ऐसे मत समझो। आओ सर आप भी करो कुछ, यहाँ से जंप करके वहां जाना फोटो खिंचवाने के लिए। समझे ले रहे हो ना। अरे योगी जी ये नहीं चलेगा, ये कर दी झंडा चल वो यूथ की बेइज्जती कर दी सर। फोटो के लिए तो चले जाओ। नहीं नहीं उतर के आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हमारी जंगल सफारी करके हम आ चुके हैं, खत्म हो गई। काफी अच्छा रहा, जंगल सफारी थी, एक्सपेक्टेशन थी कि जो है दिख जाएंगे एक आधा शेर वगैरह, पर बहुत बड़ा जंगल है तो ऐसे नहीं दिखते होंगे, पर मज़ा काफ़ी आया जंगल में घूम घूम के। जाते टाइम जो ठंड लगी है सामने, क्या ठंड थी भाई। वीडियो बनाने के लिए जब मैं हाथ पकड़ रहा था, हाथ में फ़ोन पकड़ रहा था, हाथ सुन्न हो गया मेरा। तो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस प्लान इतना है, फिर चेकआउट कर देंगे, थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे यहीं पे जैसा हमने कल करा था, और जो आपने देखा हो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, पूल वगैरह मस्ती, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। और हम ये भी हो सकता है कि हम फिर रुकेंगे लंच के लिए कल की तरह कहीं पे बीच में स्टॉप में, जैसे कल हवेली पे रुके थे ऐसे आज रुक जाएंगे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या अच्छा हो सकता था इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।